राजस्थान की दो चीज़ें वो फेमस है, एक तो राजस्थान में सर्दियों के तेवर और एक राजस्थान के चूरू ज़िले की थेपड़ा घेवर। तो आप जब भी राजस्थान आएँ थेपड़ा घेवर ज़रूर खाएं। तो आज हम वो बात करेंगे थेपड़ा घेवर की, जो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। और शेखावाटी के थेपड़ा घेवर की तो भाई बात ही क्या, एकदम चाशनी में डूबी करारी रस भरी थेपड़ा घेवर सभी को पसंद आती है। राजस्थान का चूरू ज़िला दो चीज़ों के लिए फेमस है, पहली तो यहाँ है वो सबसे कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और दूसरी बात ये कि यह ज़िला अपनी शानदार पहचान रखता है अपनी हवेलियों और खान पान के लिए। तो आज हम वो थेपड़ा घेवर की बात कर रहे हैं, जो मैदे घी व चाशनी से ऐसी तैयार होती है कि खाने वाले के मन को भी वो खाकर ठंडक मिल जाती है। तो इसका स्वाद लाजवाब होता है, ये प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान में, हर क्षेत्र के खान पान में वो कुछ चीज़ें वो प्रसिद्ध होती हैं। तो चूरू की थेपड़ा घेवर चूरू की पहचान है, इसकी शान है। तो आप देख सकते हैं शाम के वक्त है, दुकान पर आओ, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है गर्मा गर्म घेवरे लेने के लिए। तो सर्दियों में घेवरों का वो बेस्ट टाइम रहता है, घेवर सर्दियों में बनती हैं, राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध हैं, कई प्रकार की घेवरे वो तैयार होती हैं। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में है वो थेपड़ा घेवर का वो अलग ही क्रेज़ आपको देखने को मिलता है। तो ये जालीदार घेवर हैं जो 40 रुपये पर नग के हिसाब से वो यहाँ पर वो बेची जा रही हैं, और थेपड़ा घेवर है वो 160 रुपये की पर केजी के हिसाब से वो बेची जा रही हैं। तो गर्मा गर्म थेपड़ा घेवर है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। शाम के वक्त है वो दुकानों पर है वो भीड़ लग जाती है ग्राहकों की घेवरे खरीदने के लिए। ये रस भरी गर्मा गर्म घेवरे खाने का अलग ही आनंद होता है शाम के वक्त। और ये घेवरे हम वो मकर संक्रांति के पर्व पर है वो अपने रिश्तेदारों में वो बड़े मान सम्मान से भेजते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ये घेवरे चूरू ज़िले की प्रसिद्ध थेपड़ा घेवर है, इन्हें रोटी घेवर भी बोलते हैं। ये प्रभु जी हलवाई है वो इन्हें चाशनी में डुबो रहे हैं और लगातार पैकिंग कर रहे हैं। तो दुकानों पर काफ़ी काम रहता है शाम के वक्त, बहुत सारे ग्राहक थेपड़ा घेवर लेने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं मैदे का घोल बना रखा है, ये डाल रहे हैं कढ़ाई में, उसको आकार दे रहे हैं घेवर के रूप में, और उसे फिर वो घी में इस प्रकार भुना जा रहा है और फिर चाशनी में डुबा दिया जाएगा। ये देखिए घी में भुना जा रहा है, पहले इसको इस कढ़ाई में डाला गया जिसे आकार ले लिया घेवर का, और अब इसको घी में अच्छे से भून रहे हैं। तो इस प्रकार तैयार हो रही है राजस्थानी थेपड़ा घेवर, एकदम करारी रस भरी। ये दुकान है श्री बालाजी मिष्ठान भंडार, राजस्थान के चूरू ज़िले में मेन मार्केट में है ये दुकान, दादाबड़ी के पास सातड़ा कॉलोनी है उसके सामने है, पंखा रोड चूरू। और प्रभु जी हलवाई है वो इस दुकान के मालिक हैं। ये आप देख रहे हैं जालीदार घेवरे, और ये देख रहे हैं आप राजस्थान की प्रसिद्ध थेपड़ा घेवर। तो ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है ये घेवर, आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्राहक वो घेवर ख़रीद रहे हैं। तो मैं भी वो अपने लिए वो यहाँ पर घेवर ख़रीदने के लिए आया हूँ। ये देखिए भाई तैयार हो चुकी है हमारी थेपड़ा घेवर, अब इनको पैकिंग करेंगे और मैं वो घर जाकर इनको खाने वाला हूँ। आप मेकिंग देख लीजिए, इस प्रकार तैयार हो रही है, हाथों से इस प्रकार से डाला जा रहा है मैदा कढ़ाई में। ये घी है इसमें, डालडा घी की घेवरे हैं ये, जो 160 रुपये पर किलो के हिसाब से हो मैं खरीद कर लाया हूँ। ये आप देख रहे हैं मैं अभी घेवर खा रहा हूँ, इनका स्वाद लाजवाब है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।